हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो आप लोगों के पास मैं दिखा रहा हूँ। आज मेरे पास एक 15 इंच का एलजी का टीवी है, फ्लैटन का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम आज दिखाऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। तब तक मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, मेरा जब टीवी को मैं ऑफ कर देता हूँ, लाइन देता हूँ, तो लाइन देने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर है वो जल जाता है। जलने के बाद मेरा टीवी स्टार्टिंग भी हो जाता है। स्टार्टिंग होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एबी पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। एबी पे ट्रांसफ़र कर देने के बाद मेरा एबी का जो पिक्चर है, जो भी एबी हो, हमारा आरएफ हो, जो भी पिक्चर है वो तो आ जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद, चलने के बाद दोस्तों, हमारा टीवी का ये पिक्चर डिम होकर बंद पड़ जाता है। मैं दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चलेगा। तो मैंने इसका प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। टीवी चलने के बाद थोड़ा थोड़ा सा करके मेरा लाइट कम हो जाता है, जो ब्राइटनेस कम हो जाता है, टीवी डिम होके हमारा पिक्चर बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ देर के बाद कभी कभी अपने आप टीवी चालू हो जाता है, लाइट आ जाता है, पिक्चर क्लियर हो जाता है, और नहीं तो आता ही नहीं। और एक दिन के बाद, दो दिन के बाद टीवी फिर से चालू हो जाता है। इसका प्रॉब्लम आप लोगों को आज दिखाऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। मेरा टीवी अभी तक चालू है, इसका साउंड भी ओके है, सभी ओके है, लेकिन पिक्चर चला गया है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को खोल लेता हूँ, खोलने के बाद ही पता चलेगा हमारा टीवी पे क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैं टीवी को खोल लेता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं टीवी को खोल चुका हूँ। खोलने के बाद ये रहा हमारा सीआरटी ट्यूब, जो 15 इंच का ट्यूब है। ये रहा हमारा पीसीबी। मैं पीसीबी को ओपन करने के पहले मैं टीवी को फिर से चालू करूँगा। चालू करने के बाद मैं पिक्चर देखूँगा तो अच्छी तरह से पता चलेगा जो हमारा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम कैसे है और प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन निकलता है वो भी बता दूँगा। टीवी को लाइन दे चुका हूँ, लाइन देने के बाद हमारा पिक्चर आना चाहिए। दोस्तों देखिए, हमारा पिक्चर जो हमारा ब्लू स्क्रीन है वो आ चुका है। आने के बाद कुछ देर के बाद दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लू लाइट हमारा डिम होके हमारा पिक्चर चला जाता है। देखिए, हमारा पिक्चर चला गया है। कभी कभी दोस्तों, हमारा पीसीबी को पीसीबी जो टच होता है मेरे टीवी को धक्का देने से, हमारा टीवी फिर से चालू हो जाता है। इसका प्रॉब्लम दोस्तों, हमारा डाई सेक्शन है, जो हमारा डाई सेक्शन का प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा पिक्चर का जो प्रॉब्लम है, ये दोस्तों हमारा फिलामेंट सेक्शन से हो सकता है। जो फिलामेंट सेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो मैं दिखाऊंगा। मैं पीसीबी को आगे से कर देता हूँ, तो पलट लेता हूँ, तो अच्छी तरह से देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारा आता है कहाँ से वो देखा दूंगा। उसके पहले क्या करूँगा, मैं टीवी का जो जो वोल्टेज होता है, जहाँ जितना वोल्टेज होना चाहिए, वो वोल्टेज को पहले चेक कर लूँगा। तो पता चलेगा हमारा वोल्टेज कहाँ पे मिसिंग है, तो हमारा सिस्टम चेक करने पे आसानी होगी और हमारा सिस्टम अच्छी तरह से चेक होगा और हमारा रिपेयर करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं टीवी को लाइन दे देता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी पे लाइन दे चुका हूँ, लाइन देने के बाद हमारा टीवी चालू भी हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका जो जो वोल्टेज है, मैं पावर सेक्शन से चेक करता हूँ। तो पहले ये वाला जो हमारा पिन है, ये वाला पिन हमारा 110 वोल्ट जो होता है, 118 वोल्ट आ रहा है, 120 वोल्ट जो भी है, ये वाला वोल्टेज आ गया है। और दूसरा जो पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे 14 वोल्ट का जो हमारा कनेक्शन है, वो कनेक्शन हमारा एक रेगुलेटर भाया होके जाता है। ये 14 वोल्ट आ गया है और एक रेगुलेटर भाया होके हमारा यहाँ पे 8 वोल्ट तैयार करता है। ये वाला पिन हमारा 8 वोल्ट होना चाहिए। आउट पिन, ये वाला पिन हमारा 8 वोल्ट 9 वोल्ट जो भी, यहाँ पे 9 वोल्ट का रेगुलेटर लगाया हुआ है और ये वाला 8 वोल्ट का रेगुलेटर था, ये वाला 9 वोल्ट का। और दोस्तों 1 वोल्ट होता है यहाँ पे
जो हमारा वोल्टेज होता है, हमारा साउंड आईसी के लिए एक वोल्टेज दिया जाता है ये वाला पिन पे। देखिए हमारा साउंड आईसी का वोल्टेज भी ओके है। हमारा साउंड आईसी का वोल्टेज भी ओके है। और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो हमारा सिस्टम पे काम करता है, और ये वाला पिन हमारा साउंड आईसी का है, और एक यहाँ पे एक वोल्टेज दिया गया है 8 वोल्ट, जो हमारा यहाँ पे कैरी करता है, जो हमारा 10 वोल्ट होके आ रहा है। हमारा दोस्तों हमारा पावर सेक्शन का जो जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ओके है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाया हुआ है, जो हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। एक पिन यहाँ पे इनपुट होता है हमारा 9 वोल्ट, और आउटपुट होता है हमारा 5 वोल्ट, ये भी ठीक है। दोस्तों हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं है अभी तक, देखिए। और वो जो वाला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आ गया है, पूरी तरह से स्टैंड हो गया है। और एक वोल्टेज होता है यहाँ पे, जो हमारा 3.3 वोल्ट तैयार करता है। यहाँ पे रहा, ये रहा इनपुट हमारा 5 वोल्ट, और आउटपुट हो रहा है हमारा 3.3 वोल्ट। दोस्तों हमारा पावर सेक्शन का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज सही है, हमारा रेगुलेटर सिस्टम का वोल्टेज सही है, जो रेगुलेटर पे 5 वोल्ट यहाँ पे देता है वो भी सही है, मतलब हमारा सभी वोल्टेज ओके है। और दोस्तों हमारा ESD सेक्शन पे चला जाऊँगा। ESD सेक्शन पे क्या होता है, हमारा 2 वोल्टेज 4 वोल्टेज तैयार करता है। एक तो हमारा होता है 195 200 वोल्ट, और हमारा -14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट, जो -14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट हमारा वर्टिकल आईसी के लिए काम करता है। और हमारा 180 वोल्ट, जो 200 वोल्ट जो होता है हमारा ये बेस का, जो हमारा कलर फिल्टरिंग का जो वोल्टेज होता है ये वाला वोल्टेज पे काम करता है। और एक वोल्टेज होता है हमारा हीटर सेक्शन का, ये वाला हीटर सेक्शन का वोल्टेज होता है, और हीटर सेक्शन का वोल्टेज हमारा काम करता है हमारा ये वाला जो ट्यूब होता है, ट्यूब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट जलाने के लिए। दोस्तों एक बात बता दो, जो हमारा टीवी चलते चलते हमारा पिक्चर डिम हो जाता है, डिम होने के बाद हमारा पिक्चर आउट हो जाता है, वो वाला प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारा ये वाला ESD से होता है। ESD का वोल्टेज हम दोस्तों हीटर से होता है। ESD से हमारा जो वोल्टेज आउट होता है वो वाला वोल्टेज हमारा हीटर का वोल्टेज होता है। ये वाला वोल्टेज हमारा मिसिंग हो जाने से ही ये वाला प्रॉब्लम होता है। ये वाला वोल्टेज अभी तक हमारा नहीं आया, ये वाला देखिए हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आया, और हमारा ये यहाँ पे 180 वोल्ट होना चाहिए, वो वोल्टेज भी हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है। नहीं दोस्तों हमारा 180 वोल्ट 90 वोल्ट जो 200 वोल्ट जो होता है यहाँ पे वोल्टेज है 200 वोल्ट का, जो 185 दिखा रही है, ये वाला वोल्टेज ओके है। लेकिन दोस्तों ये वाला जो हीटर का वोल्टेज, वो वाला वोल्टेज हमारा पूरी तरह से 0 है। मतलब दोस्तों हमारा सिस्टम का जो मेन पीसीबी पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ESD से जो हमारा हीटर का वोल्टेज निकलता है वो वाला प्रॉब्लम आया है। लेकिन दोस्तों हमारा हीटर से जो चेक कर रहा हूँ तो हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रही है। लेकिन दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ग्राउंड है वो ग्राउंड को मैं डायरेक्ट ट्यूनर पे दे दूंगा। ट्यूनर पे देने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा। देखिए दोस्तों हमारा 2.7 वोल्ट आ रहा है, मतलब दोस्तों हमारा बेस बोर्ड का जो हमारा ग्राउंड है, जो ग्राउंड का वायर लगाया हुआ है, जो हमारा ट्यूब पे लगाया हुआ है, ये वाला कनेक्शन हमारा ग्राउंड से आउट है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जब मैं ट्यूनर पे जो हमारा ग्राउंड दे दिया हूँ, दे देने के बाद हमारा ESD पे जो हमारा हीटर का वोल्टेज होता है वो वोल्टेज तो आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं ग्राउंड को जब मैं ट्यूब पे देता हूँ, तो ट्यूब पे देने के बाद जो हमारा यहाँ पे 2.7 वोल्ट आ रहा था वो वोल्टेज हमारा मिसिंग है। मतलब दोस्तों क्या होता है, हमारा जो इस वायर से भाया होके जो हमारा यहाँ पे तीनों वायर जाके हमारा बेसबोर्ड से कनेक्ट होता है, वो कनेक्टर जो हमारा वायर है वो वायर हमारा ग्राउंड को मिसिंग कर देता है। मिसिंग कर देने के बाद हमारा जो हीटर का वोल्टेज है, वो हीटर का वोल्टेज हमारा बेसबोर्ड पे नहीं आता है, और नहीं आने के लिए ही दोस्तों हमारा फिलामेंट जो हीटर होता है वो हीटर नहीं जलता है। नहीं जलने के कारण ही हमारा ये वाला पिक्चर का प्रॉब्लम आया है। मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस वाला जो ट्रैक है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो ट्रैक है, इस ट्रैक को मैं दबा के देखूँगा तो हमारा पिक्चर आना चाहिए। मैं यहाँ पे दबा के देखता हूँ,
तो कुछ देर के बाद हमारा जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर आ गया है, देख सकते हैं। मैं जब इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ देने के बाद दोस्तों आप लोग देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर डीम होके हमारा पूरी तरह से पिक्चर बंद हो जाता है, और बंद होने के कारण ही ये वाला जो हमारे हीटर का फिलामेंट है, वो हीटर का फिलामेंट फिर से बंद हो गया है। मैं हीटर का फिलामेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद नहीं देखेगा। नहीं देख रहा है, वो छोड़िए। हमारे हीटर का फिलामेंट का वोल्टेज मिसिंग हो जाने से ही ये वाला प्रॉब्लम आया है। लेकिन दोस्तों ये जो मैं वायर को जब मैं पकड़ के रखा था तो हमारा पिक्चर आ जाता है, इसीलिए दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा हीटर ग्राउंड और 185 का जो पिन है, ये पिन हमारा वो डाई हो चुका है, लूज कॉन्टैक्ट हो चुका है, लूज कनेक्ट हो चुका है, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम आया है। मैं क्या करूँगा, अच्छी तरह से इसको सोल्डरिंग कर दूँगा, और दोस्तों ये बेस का जो पिन है, इस बेस का भी पिन को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दूँगा, आईसी का जो पिन है आईसी को भी सोल्डरिंग कर दूँगा, और ये वाला जो ट्रैक है जो आरजीबी का ट्रैक है, और हमारा जो मेन वोल्टेज 120 185, और हमारा हीटर ग्राउंड जो भी पिन है, इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देने से इस वाला प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्यूशन पे ले आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सोल्डरिंग करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा वो जो हमारा ये वायर को पकड़ कर रखने से हमारा पिक्चर आता है और छोड़ देने से बंद पड़ जाता है, वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्या किया, अच्छी तरह से जो जो हमारा डाई सेक्शन का तो वो प्रॉब्लम था वो अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दिया हूँ, और बेसबोर्ड पे भी देखिए जहाँ जहाँ मैं डाई देखा था यहाँ पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दिया हूँ। कर देने के बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, टीवी को लाइन दे देता हूँ, कारण लाइन दे देने के बाद मैं देखता हूँ क्या इसका जो वोल्टेज का जो मिसिंग था। दोस्तों देखिए मैं ग्राउंड टीवी पे देखिए हमारा पिक्चर आ चुका है, और यहाँ पे देखिए मैं ट्यूब पे ग्राउंड रखा हूँ, और रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा एचटी जो हमारे हीटर का जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज को मैं चेक करूँगा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो 2.6 वोल्ट का हीटर का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आ गया है, मतलब दोस्तों हमारा ट्यूब पे जो हमारा ग्राउंड जाता है, जो वायर से हमारा ग्राउंड जाता है, वो ग्राउंड हमारा मिसिंग हो जाने से हमारा ट्यूब से ग्राउंड नहीं मिल, ट्यूब का जो ग्राउंड होता है वो ट्यूब से ग्राउंड नहीं मिलने के कारण हमारा फिलामेंट जो है वो फिलामेंट बंद पड़ गया था, और कुछ कुछ टाइम हमारा जो ग्राउंड मिल जाने से हमारा ट्यूब पे पिक्चर आ जाता था। और अभी मैं क्या किया, अच्छी तरह से सोल्डरिंग करने के बाद हमारा जो पिक्चर का जो ग्राउंड मिसिंग था, सिस्टम का जो ग्राउंड मिसिंग था, वो वाला सॉल्व हो चुका है, और सॉल्व होने के बाद हमारा दोस्तों हमारा पिक्चर सही तरीके से आ गया है। और एक चीज़ दिखा दूँ, मैं ये वाला जो वायर है इसको इसको पकड़ के रखने से हमारा पिक्चर आता था, और कुछ देर के बाद हमारा पिक्चर चला जाता था, वो वाला प्रॉब्लम भी मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है, और वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हमारा टीवी पे सही तरीके से पिक्चर आ चुका है। मैं आगे से पिक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों आप लोग देखिए हमारा जो टीवी का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है, जो टीवी चलने कुछ देर के चलने के बाद हमारा टीवी बंद पड़ जाता था, जो हमारा टीवी का पिक्चर डीम होकर हमारा बंद हो जाता था, अब वो वाला प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकाल चुका हूँ, और पीसीबी को हिलाने से भी हमारा ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग तो आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।